भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका का दौरा करने के लिए तैयार है। बीसीसीआई और सीएसए ने दिसंबर जनवरी में सभी फॉर्मेट के शेड्यूल का ऐलान किया। ये दौरा 10 दिसंबर से 3 मैचों की टी20 सीरीज के साथ शुरू होगा। उसके बाद 17 दिसंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज होगी। दौरे का एंड टेस्ट सीरीज के साथ होगा, जिसमें 2 टेस्ट शामिल रहेंगे। पहला टेस्ट 26 दिसंबर तो वहीं दूसरा टेस्ट 3 जनवरी से शुरू होगा। ACC इमर्जिंग एशिया कप टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला UAE A और इंडिया A के बीच खेला गया था, जिसे भारतीय टीम ने 8 विकेट से जीतकर अपने नाम कर लिया है। इस मुकाबले में कप्तान यशधुल की शानदार शतकीय पारी और हर्षित राणा की गजब की गेंदबाजी देखने को मिली। इंडिया A का अगला मैच अब नेपाल के साथ 17 जुलाई को है। IPL के अगले सीजन के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने नए हेड कोच की घोषणा कर दी है। लखनऊ टीम ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जस्टिन लेंगर को अपना हेड कोच बनाया है। इससे पहले टीम ने पूर्व कोच एंडी फ्लावर के लिए विदाई पोस्ट किया था। लेंगर ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए भी कोचिंग का काम किया है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज ईशान शर्मा ने यशस्वी जायसवाल पर बड़ा बयान दिया है। ईशान के मुताबिक यशस्वी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में खेल सकते हैं। ईशांत ने आगे बताया कि यशस्वी अगले कुछ दशक तक भारतीय क्रिकेट के लिए खेल सकते हैं। ईशांत ने बताया कि यशस्वी के पास अच्छे शॉट्स का सिलेक्शन है। टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल पर लग सकता है जुर्माना। विराट कोहली के सामने दे डाली वेस्टइंडीज के खिलाड़ी को गाली। यशस्वी की गाली देने वाली आवाज सोशल मीडिया पर हुई वायरल। यशस्वी की आवाज स्टंप माइक पर सुनाई दे रही है। ICC सुना सकता है सजा। BCCI की हुई बल्ले बल्ले। ICC से होने वाली आय में हुई 72% की बढ़ोतरी। BCCI का हिस्सा ICC के राजस्व में सबसे ज्यादा। ये फैसला ICC की डरबन में हुई सालाना बैठक के बाद लिया गया है और राजस्व वितरण के इस नए मॉडल को ICC ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। BCCI की ICC से होने वाली आय 22.4% से बढ़कर 38.5% हो गई, जो कि लगभग 72% की बढ़ोतरी है। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में मौका मिलने के बाद संजू सैमसन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। संजू ने नेट्स पर जमकर अभ्यास किया। वर्ल्ड कप 2023 से पहले संजू के पास वेस्टइंडीज सीरीज में निखरने का आखिरी मौका है। संजू अगर इस दौरे पर फेल होते हैं तो उनके करियर पर तलवार लटक जाएगी। भारत बांग्लादेश विमेंस ODI सीरीज का आगाज 16 जुलाई से होगा। 3 मैचों की सीरीज की मेजबानी मीरपुर करेगा। हरमनप्रीत कौर कप्तान, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। भारतीय महिला टीम ने इससे पहले 2-1 से टी20 सीरीज को अपने नाम किया था। टीम इंडिया ने टी20 सीरीज में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने मैनचेस्टर टेस्ट से पहले खुद को फिट घोषित कर दिया है। रॉबिन्सन 100% फिट हो गए हैं। लीड्स टेस्ट के शुरुआती दिन में रॉबिन्सन को पीठ में चोट लग गई थी, जिसके बाद ये तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गेंदबाजी नहीं कर पाया था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग का मानना है कि मैनचेस्टर टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम कैमरून ग्रीन की जगह मिशेल मार्श को तरजीह देगा। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट में चोटिल ग्रीन की जगह मार्श को प्लेइंग 11 में मौका दिया था, जिसके बाद मार्श ने लीड्स टेस्ट में शतक लगाया था और विकेट भी लिए थे। We'll be right back.